नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे 3-in-1 यूट्यूब चैनल में। और आप इस समय देख रहे हैं हमारे मिस्टीरियस शो जिसका नाम है मिस्टीरियस खानिया। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों, आप लोगों ने निंजास के बारे में तो पढ़ा ही होगा कि वह कैसे होते हैं, वह क्या क्या कर सकते हैं और उनमें क्या क्या विशिष्ट खूबियाँ होती हैं। जापान के शामदशाही काल में निंजास का प्रचलन बहुत ज़्यादा था। वहाँ पर निंजास को शिनोबी या गुप्तचर भी कहते थे। निंजास का मेन काम था कि वह किसी के जासूसी करते थे और किसी को जान से मारते थे या फिर कहीं पर डाका डालना होता था। निंजास गोरिल्ला युद्ध में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे। निंजास समुराय से बिल्कुल अलग होते थे, जहाँ पर समुराय हमेशा लोगों की मदद करते थे और लोगों की जान बचाते थे, वहीं दूसरी तरफ निंजास लोगों की जान लिया करते थे। निंजा सबसे पहले जापान में आए थे और वह कैसे आए थे इसकी जानकारी अभी तक नहीं लगाई जा सकती है, पर अधिकतर यही अनुमान लगाया जाता है कि वह 12वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच जापान में आए थे। कुछ लोगों का निंजास के बारे में यह कहना है कि वह प्राचीन चीन से आए थे, मतलब चीन से जो मॉन्ग आए थे उन्होंने जापानीज लोगों को अपने तौर तरीके और अपनी विद्या सिखाई थी। सुंगुकू काल निंजास के लिए बहुत ज़्यादा सुवर्ण काल माना जाता है, मतलब सोने का काल माना जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा अवसर माना जाता है उनके लिए, क्योंकि इस दौरान इगा और कोगा निंजास नियुक्त किए जाते थे और बहुत से निंजास छोटे वर्ग से लिए जाते थे जो समुराय वर्ग के होते थे, पर जो समुराय थे वो उस काल के उच्च वर्ग के माने जाते थे और ये आज ऐतिहासिक केंद्र बिंदु बना हुआ है। 15वीं शताब्दी में निंजास को आतंकवाद मचाने, लोगों को मारने और डाका डालने के लिए ग्रुप में भर्ती कराया जाता था। उस वक्त में समुराय ही विशिष्ट वर्ग में युद्ध किया करते थे। निंजास धर्म का पालन बिल्कुल नहीं करते थे, वह अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साई में कार्य करते थे। ईगा व कोगा में जो स्थायी रूप से कार्य करते थे वो असली निंजास माने जाते थे। 1425 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक जापान के राजा गुप्त रूप से निंजास का इस्तेमाल करते थे, जो कि वह गलत काम करने में निंजास का इस्तेमाल करते थे। यह सब तब तक चलता रहा जब तक नोबुनारा नहीं आया, परंतु जब वह आ गया तो उसने सारे निंजास को पूरे जापान में बिखेर दिया। कोई उसके विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं करता था। जो निंजास नोबुनारा के ग्रुप से बाहर निकलते थे वो विशेषज्ञ बनते थे निंजास के, और कुछ निंजास ने मिलकर एक टीम बनाई थी जिसमें वो अंगरक्षक खुफिया पुलिस का कार्य करने लगे, जो कि वो अच्छा कार्य करते थे, पर वह बहुत ज़्यादा शातिर हुआ करते थे। वह छुपने की कला में बहुत ज़्यादा माहिर होते थे। वह अधिकतर रात के वक्त ही अपना कार्य करते थे, पर कुछ निंजास बुरे के लिए काम करने के लिए बदनाम थे और कुछ निंजास अच्छे कार्य करने के लिए प्रसिद्ध होते थे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।